अज तुहानू असीं किहो जिहे इंसान नाल मिलाण जा रहे हां जो कि फिजिकली चैलेंज ने बट फिर भी कितना कितने एक मोटीवेशन जो है लोगों को देंदे हुए नज़र आ रहे हैं तो इत्थों दे नहीं हिमाचल प्रदेश ने। तो तुसीं हिमाचल प्रदेश तो सच्ची जी सर हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश तो इत्थे आने का की कारण सी? बस वैसे घूमने आया था। घूमने करते करते डिलीवरी पे कैसे आ? डिलीवरी पे बस यहीं पे रम गए तो यहीं पे रह गए। मैंने सोचा चलो अच्छा काम है, घूमने फिरने का काम है, मतलब हर आधे घंटे बाद एक घंटे बाद एक नए पर्सन से मिलना अच्छा लगता है, हर किसी से हेलो हाय करना अच्छा लगता है। आपने कुछ अचीवमेंट्स भी की हुई हैं शायद? या सर एक्चुअली आई एम ए व्हीलचेयर क्रिकेटर, नेशनल लेवल खेल के आया हूँ। आई एम ए सिटिंग वॉलीबॉल नेशनल लेवल खेल के आया तमिलनाडु, सिटिंग वॉलीबॉल तमिलनाडु खेल के आया हूँ और व्हीलचेयर क्रिकेट जो है राजस्थान उदयपुर सिटी खेल के आया हूँ। कई लोग होते हैं कि अच्छे बड़े होंगे, हाथ पैर ठीक होंगे, पर फिर भी काम नहीं करते हैं, मांगते हैं लोगों से पैसे, मांगते हैं। वो वैसे वो कैसे देखते हो उन लोग जैसे लोगों को क्या कहना चाहोगे कि आप फिजिकली ठीक नहीं हो पर फिर भी आप काम कर रहे हो अपना कमा रहे हो, उनको क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली उनको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, वो मैंने बोला था ना दिव्यांगता दिमाग से होती है, वो दिमाग से दिव्यांग है। हम हाथ और पैरों से दिमाग है, वो दिमाग से दिव्यांग है। भगवान से कोई शिकायत वगैरह तो नहीं रहती कभी? कोई शिकायत हो भगवान से या कुछ है कि पर फिर भी आप चलो काम कर? भगवान से शिकायत क्या करनी जब वो ये हमारी किस्मत है। एक्चुअली बोलते हैं ना जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे, जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। अब हमने पता नहीं कैसा बीजा था वैसा काट रहे हैं अभी हम। जी सर फिर भी आप खुश हो? हाँ खुश हूँ, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मतलब वो बोलते हैं ना कि जब इगा होता है थोड़ी भी, मतलब लोग बोलते हैं कि हमें ये हो गया वगैरह वगैरह, मैं वो सब इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा। मतलब मैं सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड हो जाता हूँ कि बस जो मेरी किस्मत में है वो यही है। सत श्री अकाल जी सारिया, तुसीं देख रहे हो द सिटी हेडलाइन ते मैं हाँ वंशिप सिंह कवल। अज तुहानू असीं किहो जिहे इंसान नाल मिलाण जा रहे हैं जो कि अमृतसर दे नहीं ने पर अमृतसर च काम करते हैं। तो एक होर कारण है कि फिजिकली चैलेंज ने बट फिर भी कितना कितने एक मोटीवेशन जो है लोगों को देंदे हुए नज़र आ रहे हैं तो इतों के नहीं हिमाचल प्रदेश ने। यह साढ़े नाल जोमैटो डिलीवरी ते करते हैं ये जो भाजी ने गलबात करेंगे। पहली गल तो तुसीं देख सकते हिमाचल दे इन्हां दा नंबर है, ये हिमाचल दे होके इत्थे अमृतसर दे विच फूड डिलीवरियां कर रहे हैं। आखिर की है सारी गलबात करते हैं, इन्हां नाल जानते हैं। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल सर जी। की नाम है जी तुहाडा? जोगिंदर सिंह केके। अच्छा, तो तुसी हिमाचल प्रदेश तो सच्ची? जी सर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश तो इत्थे आने का की कारण सी? बस वैसे घूमने आया था। अच्छा जी। तो फिर घूमने करते करते डिलीवरी पे कैसे आ? डिलीवरी पे बस यहीं पे रम गए तो यहीं पे रह गए। अच्छा जी सर। तो नहीं कैसे, मतलब कि जोमैटो पहले करते थे या अभी करते थे? क्या ये अभी के कोई 4 महीने हो गए जोमैटो करते हुए, 5 महीने। कैसा मन में कैसा है जोमैटो? मैंने सोचा चलो अच्छा काम है, घूमने फिरने का काम है। अच्छा। मतलब हर आधे घंटे बाद एक घंटे बाद एक नए पर्सन से मिलना अच्छा लगता है। अच्छा। हर किसी से हेलो हाय करना अच्छा लगता है। तो हिमाचल ही क्यों नहीं, अमृतसर ही क्यों? हिमाचल में एक्चुअली जोमैटो है नहीं ना। अच्छा जी सर। अच्छा तो यहाँ पे मज़ा आता, अच्छा कर लगता है काम? बहुत मज़ा आता है सर, बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा, मतलब कि आप मतलब कि फिजिकली पहले बताना आपके कैसे ये प्रॉब्लम कैसे आई? ये बचपन से मैं हैंडीकैप था, जब 4 साल का था जब मेरे को पैरालाइज हो गया था, तो उसके बाद मैं हाथों और घुटनों के बल चलने लगा हूँ। पर ये अच्छी बात है कि हमें गाड़ियाँ गुड़ियाँ वगैरह बन गई है अब हमारे लायक, तो इनसे अब ये महसूस नहीं होता है कि हम हैंडीकैप है। अच्छा जी सर। तो कैसी जिंदगी थी हैंडीकैप होने के बाद, कैसे जिंदगी कटी आपकी, स्टडी फैमिली के सर कैसा, वो सफ़र कैसा था? देखिए सर पहले की अगर मैं बात बताऊँ तो बचपन में मैं कहीं भी जाने से ज़्यादा शर्माता था, मैं कहीं भी जा नहीं पाता था, मुझे संकोच लगता था कि जैसे मैं ऐसे हाथों और घुटनों के बल चलूँगा तो मुझे कोई क्या बोलेगा। तो मैं नहीं जाता था, कहीं भी नहीं जाता था मैं, ना मैं किसी फंक्शन में, ना किसी पार्टी में, मैं कहीं भी नहीं जाता था। एक बार मैं एक हमारा वहाँ पर एक प्रोग्राम था जहाँ पर व्हील चेयर्स वगैरह बांटते हैं, वहाँ पर मेरे को स्कूल से भेजा गया कि आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पे व्हीलचेयर मिलेगी आपके लिए भी, आप भी ले लो। मैं कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो सर मैंने वहाँ पे एक लड़की मिली मेरे को, तो वो लड़की ऐसे सो के चलती थी, इनके सहारे चलती थी, पूरा सो के। अच्छा।
तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा शर्म लग रही है, आप मैं कैसे चल रहे हो तो आपको शर्म नहीं लग रही है? तो उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसकी एक बात मैंने ये आज तक गांठ में बांधी थी कि उसने मेरे को कहा था कि देखो इसमें संकोच की बात नहीं है, जो हमारी ज़िंदगी है जैसी हमें दी है हमें वैसी उतनी काटनी ही पड़ेगी। और उस दिन से लेकर के आज तक मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं हैंडीकैप हूँ, फिजिकली चैलेंज। तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, फैमिली का साथ कैसा रहा? फैमिली का साथ बहुत अच्छा है। फैमिली में मैं बचपन में स्कूल नहीं पैदल चल नहीं पाता था, तो मेरी चार सिस्टर हैं, मेरे को बारह बार स्कूल 2 किलोमीटर स्कूल से लेके जाना, वापस लेके आना, ऐसे मेरी स्टडी हुई, पढ़ाई हुई प्लस टू। तो उसके बाद मैंने फिर नौकरी वगैरह, तो चलो आज तक वैसे नौकरी मैं की नहीं हूँ, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जिया हूँ। अच्छा। जो भी इंडिपेंडेंट लाइफ जिया हूँ। अच्छा। जी सर। तो मतलब कि अमृतसर अभी आए हो, क्या पहले आए थे यहाँ पे? पहले भी रह के गया हूँ। कितनी देर रहे? मैं यहाँ पे मैं फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आया था टांगों की, यहाँ पे मैं कंपनियों में काम भी करके गया हूँ पहले। अच्छा। जी एस ओएलजी कंपनी में भी मैं एज ए सेल्समैन काम करके गया हूँ। जी सर। तो वैसे ऐसे काम करने में कुछ तकलीफ वगैरह होती, प्रॉब्लम्स फेस होती कुछ? नहीं, यहाँ पे इस बात का मैं बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा जोमेटो राइडर्स, स्विगी राइडर्स और होटल वालों का भी, और यहाँ की जनता का भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्योंकि जब मैं उनको बोल देता हूँ कि सर सॉरी आई एम हैंडीकैप मैन, मैं ऊपर नहीं आ सकता हूँ, तो वो आ जाते हैं सॉरी बोल करके, थैंक यू बोल करके अपना ऑर्डर लेके चले जाते हैं। बहुत बहुत मतलब मैं यहाँ की जनता को तो तहे दिल से सल्यूट करना चाहूँगा। अमृतसर में अच्छा लगता है लोगों का स्वभाव? मतलब बहुत अच्छा स्वभाव है, कुछ होते हैं लेकिन आई डोंट माइंड। अच्छा। या आपने कुछ अचीवमेंट्स भी की हुई हैं शायद? या सर एक्चुअली आई एम ए व्हीलचेयर क्रिकेटर, नेशनल लेवल खेल के आया हूँ। अच्छा। आई एम सिटिंग वॉलीबॉल नेशनल लेवल खेल के आया हूँ तमिलनाडु, सिटिंग वॉलीबॉल तमिलनाडु खेल के आया हूँ, और व्हीलचेयर क्रिकेट जो है राजस्थान उदयपुर सिटी खेल के आया हूँ। अच्छा। जी और जेवलिन थ्रो मेरा हाईएस्ट स्कोर है 12 मीटर, शॉर्ट पुट का मेरा हाईएस्ट स्कोर है 4.3 सेंटीमीटर। जी आप देख सकते हो कि किस तरह मेरा कि फिजिकली ठीक नहीं है, फिर भी स्पोर्ट्स के भागीदारी इन्होंने अपनी दी है, स्पोर्ट्स के खेलते रहे हैं, तो बड़ी बड़ी वक्रिया गेम। आखिर इस रुझान कि आया कि मैं स्पोर्ट्स भी खेल सकता, फिजिकली ठीक नहीं है, हैंडीकैप हो गया भी स्पोर्ट्स खेल सकता, वो किस तरह मन चाहिए? यस, ये बात अच्छी पूछी आपने, इसका जवाब दूंगा। ये एक्चुअली मैं राजस्थान में गया था, मैं अपने टांगों के ऑपरेशन करवाए हैं, वैसे मैं खड़ा होकर भी चल लेता हूँ। अच्छा। वो कैलिपर लगाने पड़ते हैं यहाँ तक। जी, जी, जी। वो कैलिपर मेरे घर पे ही है। अच्छा। तो वॉकर मेरा टूट गया था, एक्सीडेंट हुआ था तो वॉकर मेरा टूट गया था, तो कैलिपर लेके क्या करना, फिर ऐसे चल रहा हूँ। अच्छा। जी तो मैं वहाँ पे गया था राजस्थान में, तो वहाँ पे मेरा तो चलो प्राइवेट ऑपरेशन हुए हैं, बट मैं वहाँ पे व्हीलचेयर लेने के लिए गया था नारायण सेवा संस्थान में, तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। अच्छा। तो फिर वहाँ पे उस दिन तो मैं वहाँ से आ गया, बट एक डॉक्टर थे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे रात की ड्यूटी करते थे, दिन में वो नारायण सेवा संस्थान में थे, तो उन्होंने जो है मतलब उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैं एक दिन मैं पूरे नारायण सेवा संस्थान में पूरे उसमें घूमना चाहता हूँ मैं क्या। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको घुमा दूंगा। तो एक दिन चले गए हम, तो मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे व्हीलचेयर क्रिकेट खेल रहे थे, और व्हीलचेयर क्रिकेट का मैं इतना फ़ैन हो गया, वैसे मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा फ़ैन था। अच्छा। तो जब मैं खुद खेला हूँ, खुद DCCA पे आप हमारा देख सकते हो मैच, हम इस उड़ीसा के साथ खेल के आए हैं, हिमाचल वर्सेस उड़ीसा, हिमाचल वर्सेस यूपी, हिमाचल वर्सेस राजस्थान। हाँ जी, थर्ड नेशनल लेवल क्रिकेट था ये हमारा, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड भी हुआ है हमारा। अच्छा। गिनीज वर्ल्ड बुक में हमारा नाम भी रिकॉर्ड हुआ है कि ये जितने भी पंजाब की भी टीम गई थी वहाँ पे नैन सेवा संस्थान में, पंजाब की भी टीम गई थी खेलने के लिए। अच्छा अच्छा। ये मेरे ख्याल दूसरे राउंड में हार के आ गए थे पंजाब टीम। अच्छा। और हम तो फर्स्ट राउंड में हार गए थे। अच्छा। जी सर। नहीं मतलब कि गेम में आने में मतलब आपका फिर किया कि मैं भी खेलूं फिर? जी, तो उसके बाद मैंने कोच अपॉइंट किया। अच्छा। तो कोच भी बोलते थे कि हमें चलो इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको करवाएंगे। तो
तो हमारा हमीरपुर अनु ग्राउंड में हमारे कोऑर्डिनेटर है मिस्टर राजन वर्मा, तो उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करवाई हमारी। उसके बाद प्रैक्टिस होने के बाद जो है हमें फिर नेशनल लेवल खेलने के लिए भी गए हम। इस तरह हमने वहाँ पे पहले अपना पूरा बायोडाटा भेजा, सब कुछ भेजा, उसके बाद हम नेशनल लेवल खेलने के लिए भी गए। ऐसे ही हमने फिर बिलासपुर की तरफ से हमने सिटी वॉलीबॉल का बनाया, तो वहाँ के हमारे डीसी सर है बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश के, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था। वहाँ पे हमें 7 दिन का उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर दिया था लुहाणु मैदान में, तो वहाँ पे हमने 7 दिन ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद हम तमिलनाडु खेलने के लिए गए थे सिटिंग वॉलीबॉल। तो वैसे देखा जाए तो जैसे आप तो चलो करते ही हो, पर कई लोग होते हैं कि अच्छे बड़े होंगे, हाथ पैर ठीक होंगे, पर फिर भी काम नहीं करते हैं, मांगते हैं लोगों से, पैसे मांगते हैं, वो वैसे वो कैसे देखते हो उन लोग जैसे लोगों को? क्या कहना चाहोगे कि आप फिजिकली ठीक नहीं हो पर फिर भी आप काम कर रहे हो, अपना कमा रहे हो, उनको क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली उनको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, वो मैंने बोला था ना दिव्यांगता दिमाग से होती है, वो दिमाग से दिव्यांग है। हम हाथ और पैरों से दिमाग है, वो दिमाग से दिव्यांग है जी। तो वैसे आप कब तक ये यहाँ पर अमृतसर में अच्छा लग रहा है, कब तक अब रहने का प्रोग्राम कि आप अमृतसर में ही रहना है? ये पता नहीं है सर। अच्छा, ये भी पता नहीं है। वैसे मज़ा आ रहा है अमृतसर में? बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, अच्छा लगता है हर किसी से, नए पर्सन से मिलना अच्छा लगता है। रोड पर अगर कभी गलती हो जाती है तो सॉरी बोलना अच्छा लगता है। हिमाचल से आप खुद एक्टिव चला के आते हैं? जी सर, हिमाचल से मैं इसी पे आता हूँ, इसी पे जाता हूँ जब भी। वैसे लोग तो कई बसों में सफर करते करते थक जाते हैं, आप एक्टिवा पे नहीं थकते? नहीं सर, मैं सुबह 10 बजे से बैठा हूँ ऐसे ही। अच्छा। रात को 10 बजे उतरूंगा जा करके रूम में। अच्छा अच्छा, है नहीं है कि परेशानी नहीं आती कोई ट्रैवल करते हुए? नहीं, कोई परेशानी नहीं आती, आदत हो गई है। अब आदत हो गई है। भगवान से कोई शिकायत वगैरह तो नहीं रहती कभी? कोई शिकायत हो भगवान से या कुछ है कि पर फिर भी आप चलो काम कर? भगवान से शिकायत क्या करनी, जब वो ये हमारी किस्मत है। अच्छा। एक्चुअली बोलते हैं ना, जैसा बीजोगे वैसा वैसे ही काटोगे, जैसा बीजोगे वैसे ही काटोगे। अब हमने पता नहीं कैसा बीजा था, वैसा काट रहे हैं अभी हम। अच्छा। जी सर, फिर भी आप खुश हो? हाँ खुश हूँ। अच्छा। जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, मतलब वो बोलते हैं ना कि जब एक होता है थोड़ी भी, मतलब लोग बोलते हैं कि हमें ये हो गया वगैरह वगैरह, मैं वो सब इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा। मतलब मैं सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड हो जाता हूँ कि बस जो मेरी किस्मत में है वही ये यही है। अच्छा। मतलब अब अगला जो सफर है आपका, अभी ऐसे ही काम करते रहोगे, ऐसे खुश रहो? जी बस ऐसे खुश रहूँ, घूमता फिरता रहूँ। अमृतसर वासियों का क्या कहना चाहोगे? अमृतसर वासियों को तो तहे दिल से सल्यूट है, और बस ये एक सबसे बड़ी बात है कि राइड करते समय अगर कोई मेरी वजह से परेशान हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ भाइयों, मेरे को दिल से मतलब माफ कर दियो। जिस तरह की असी गल की, देखिए किन्ने हसमुख चेहरा है अमृतसर के, हिमाचल तो आ गए काम कर रहे हैं, जोमैटो डिलीवरी का काम कर रहे हैं। देखा जाए अक्सर ही लोग ने यही सिचुएशन से आ गए हैं कि हिम्मत हार जाते हैं, उदास रहते हैं, पर कितने कितने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल ने उन्होंने लोगों ने जो कि मन हार जाते हैं, फिर प्रॉब्लम ने पर फिर भी कितने कितने हसते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, स्पोर्ट्स गए हैं, बहुत वड्डी गल है। हूँ अमृतसर भी लोगों का रह के कहने सुभाव बहुत वधिया, एक बहुत वधिया गल है इन्हों के लिए कि अमृतसर वासियों लिए भी कि जेहड़े लोग ने इत्थे बहुत चंगे ने, बाहरों आके काम कर रहे हैं, असीं क्यों बाहर दा देश दा रुख कर रहे हैं। तो असं भी आस करते हैं इन्हें वीडियो देख के जो है कई लोग जो है मोटीवेट जरूर होने के अपनी लाइफ के अगे वधन के। वंशिप कवल सिटी हेडलाइन अमृतसर।